जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास ट्वेल्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चन से, क्योंकि ये आपके टर्म टू एग्जाम में 8 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है सर, और 40 मार्क्स के एग्जाम में 8 नंबर का ये चैप्टर आपके 20% मार्क्स को कंसीडर कराता है। तो सर, इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये समझ में अभी भी नहीं आता तो मेरी कॉन्सेप्ट वीडियोस लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, और सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने डीके गोयल सर की बुक से ऑलरेडी सॉल्व करा रखे हैं। तो प्लीज इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे आप इस चैप्टर को पास होने के अंदाज में ले रहे हो या आप एक टॉपर बनना चाहते हो। 40 out of 40 marks के लिए ये चैप्टर आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। सिर्फ 10 ऐसे इलस्ट्रेशंस और बेहतरीन वाले क्वेश्चंस देने वाला हूं, जिसके बाद आपको ये चैप्टर मेरा बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो सर, सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे, जहां पर आपका जो डिवेंचर है वो इशू किया गया है लमसम मेथड की जगह इंस्टॉलमेंट मेथड में। इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सा होता है दोस्त? जैसे हम इशू ऑफ शेयर्स करते थे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में, उसी तरीके से ये डिवेंचर इशू करे गए हैं यहां पर। साथ के साथ जब ये डिवेंचर इशू हुए तो आपको डिस्काउंट का ट्रीटमेंट दिया गया, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को या डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस को कैसे राइट ऑफ किया जाता है, उसकी जर्नल एंट्री आपको बनाकर देखनी है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आपके लिए दो मजेदार से इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन 9 इसलिए लिया गया मैंने क्योंकि इलस्ट्रेशन 9 से आप वेंडर वाला केस सीखोगे। डिफरेंट टाइम पर जब हमारे डिवेंचर इशू होते हैं वेंडर को डिफरेंट केसेस में, कि कभी पार पर, कभी प्रीमियम पर और कभी डिस्काउंट पर, तो उसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स को निकालने का क्या तरीका रहता है, कब डिवेंचर्स ज्यादा आते हैं और कब डिवेंचर्स कम आते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका क्रेडिट कब होता है और कब नहीं होता है, एक इलस्ट्रेशन की मदद से आप सीखेंगे। नेक्स्ट आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, जो कि अगेन वेंडर वाला केस है दोस्त। बट यहां पर क्या है कि आपके सामने दो तरीके की वैल्यू रखी है, एक बुक वैल्यू रखी गई है और एक एग्रीड वैल्यू रखी है। तो आपको क्वेश्चन में बुक वैल्यू चुननी है या एग्रीड वैल्यू चुननी है, इसके लिए मैंने इलस्ट्रेशन आपको करने के लिए दिया है। और इलस्ट्रेशन देने के पीछे मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्ट ये रहता है, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए वापस से, आप सीधे क्वेश्चन करने में ना डरे। दूसरा, आपको प्रेजेंटेशन का ख्याल रहे बहुत ज्यादा। और तीसरा, आपको जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो आप इलस्ट्रेशन दिमाग में चलेगा कि हाँ, इलस्ट्रेशन में ये चीज इस तरीके से दी गई थी। इलस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप छाप दो बैठकर, इलस्ट्रेशन कभी भी छापने के लिए मैं नहीं देता हूं। 3 इलस्ट्रेशन मजेदार से हो चुके हैं और 2 बेहतरीन इलस्ट्रेशन अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 19, जहां पर आपको कोलेट्रल सिक्योरिटीज के मजेदार केसेस दिए गए कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन या डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स एंट्री में कितना कितना अमाउंट अब क्यों क्यों और कब कब जाता है, और उस चीज को हम बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 23 बचा है, जिसको करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि ये वो मास्टर क्वेश्चन है, जहां पर हम जब अपने डिवेंचर्स को लमसम मेथड में इशू करते हैं। लमसम मेथड होता है एक बार में पैसा ले लिया जाता है और डिवेंचर दे दिया जाता है, और इस इलस्ट्रेशन की मदद से आपको पता चलेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कब आता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, साथ के साथ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कब आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कब आता है, डिवेंचर्स अपनी फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होते हैं, सारी चीजें आपको एक सिंगल इलस्ट्रेशन में बताती। अभी 5 इलस्ट्रेशंस करने के बाद 5 मजेदार क्वेश्चन आपका और भी बेहतरीन तरीके से इंतजार कर रहे हैं, और उनको करने के बाद आपको लगेगा यस, सच में ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजेदार है, और 2 से 2.5 घंटे में सर ने हमको 8 नंबर दिलवा दिए हैं। तो फटाफट से देख लो क्वेश्चन नंबर 3। सर, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा फटाफट से। 13 से आप शुरुआत करेंगे, जहां क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताता है कि वेंडर वाले केस में एंट्रीज कैसे हुई है, जैसे आपने इलस्ट्रेशन में सीखी थी। अगर कुछ पैसा चेक से या कैश से या डीडी या डिमांड ड्राफ्ट से जाता है तो उसकी क्या एंट्री बनती है, और जो पैसा पेबल रह जाता है उसकी क्या एंट्री बनती है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एग्जाम में 2 या 3 बार आ चुका है, 3 से 4 नंबर का और कई बार 6 नंबर का, जहां पर आपको पूरे क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन नहीं देता और आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना सिखाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप कभी इसको छोड़ने के नहीं आएंगे। 2 क्वेश्चंस करने के बाद आपके 3 मजेदार से क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, जहां पर अगेन लमसम मेथड में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का ज्ञान हो जाता है आपको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का ज्ञान हो जाता है आपको। और क्वेश्चन नंबर
49 और क्वेश्चन नंबर 15, दो मजेदार ऐसे मास्टर क्वेश्चन है। मास्टर क्वेश्चन इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये दो क्वेश्चन ही पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे। इसमें कोलेट्रल सिक्योरिटी का ज्ञान भी है सर, इसमें वेंडर वाला केस भी है सर, इसमें रिडेम्पशन और प्रीमियम और रिडेम्पशन वाला केस भी है। ये 5-5 नंबर के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने भी जो अपने सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया है वो कुछ इसी टाइप का है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबाएंगे, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन लगा और कौन सा क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, 7906786321। कोई भी तरीके की कैसी भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई समय से दे दिया करूँगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। नेक्स्ट चैप्टर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चाहिए जरूर कमेंट में बताओ।